नमस्कार, आप सुन रहे हैं पंजाब केसरी पॉडकास्ट। न्यूज फ्रेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मेघा। आज है 28 अप्रैल और दिन शुक्रवार, तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। राम मंदिर का 70% निर्माण पूरा हो चुका है। गर्भगृह के पिलर 14 फीट तक बनकर तैयार हो चुके हैं। मंदिर निर्माण 3 चरणों में पूरा होगा। पहला चरण अगस्त 2023 तक पूरा होगा, दूसरा चरण दिसंबर 2024 में, जबकि 2025 तक मंदिर आकार ले चुका होगा। जनवरी 2024 में मंदिर में दर्शन पूजन शुरू हो सकेगा। मंदिर निर्माण में करीब 800 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। कुल खर्च का अनुमान करीब 1800 करोड़ रुपए लगाया गया है। चुनावी साल में देश प्रदेश में नेताओं के बयान में तल्खी बढ़ती जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पीएम मोदी को जहरीला सांप बताने के बाद माफी मांगी। अब बीजेपी के केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सीएम अशोक गहलोत को राजस्थान की राजनीति का रावण बता दिया। गुरुवार को चित्तौड़गढ़ में बीजेपी की जन आक्रोश रैली में भाषण देते हुए गजेंद्र सिंह शेखावत ने सीएम अशोक गहलोत और कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने भाषण में आखिर में कहा, राजस्थान में राजनीति के इस रावण अशोक गहलोत को समाप्त करना चाहते हो तो भुजाएं उठाओ, राजस्थान में राम राज्य की स्थापना के लिए संकल्प कीजिए। गजेंद्र सिंह ने गहलोत को रावण बताने के बाद सियासी विवाद तय है। गजेंद्र सिंह ने अपने भाषण के दौरान पेपर लीक और करप्शन पर सरकार को घेरते हुए कहा, बीजेपी सरकार आने पर इसकी सीबीआई जांच होगी, तब कई कांग्रेस नेताओं तक जांच जाएगी। गहलोत कैबिनेट मंत्री महेश जोशी समेत अन्य लोगों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाकर आत्महत्या के मामले में सरकार ने 2 अधिकारियों पर एक्शन लिया है। गृह विभाग ने नगर निगम हेरिटेज में नियुक्त उपायुक्त विजिलेंस नील कमल मीणा और स्वायत्त शासन निदेशालय ने हवा महल आमेर जोन उपायुक्त दिलीप कुमार शर्मा को एपीओ कर दिया। राजस्थान में अप्रैल का आखिरी सप्ताह है। लोगों को इस बार हीट वेव की बजाय ठंडी और धूल भरी हवा झेलनी पड़ रही है। वहीं भीलवाड़ा में बिजली गिरने से एक की मौत हो गई है। शुक्रवार सुबह भी पाली के कुछ क्षेत्रों में बारिश हुई। वहीं राज्य में कल बीती शाम हनुमानगढ़, गंगानगर समेत उत्तर भारत में जबरदस्त धूल भरी आंधी चली। इसके कारण कई जगहों पर पेड़ पौधे टूट गए, कच्चे मकानों पर लगे टीन शेड छप्पर उड़ गए। यही स्थिति दक्षिण पूर्वी राजस्थान में उदयपुर, जोधपुर, अजमेर और जयपुर संभाग में रही। पाली, डूंगरपुर, जालौर, भीलवाड़ा समेत कई जिलों में कल अच्छी बारिश हुई, इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। जिया खान के सुसाइड के बाद उसके घर से एक पत्र जब्त किया गया था। इसके बाद मुंबई पुलिस ने अभिनेता सूरज पंचोली पर धारा 306 के तहत मामला दर्ज किया था और उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। वहीं जिया की मां राबिया खान का आरोप था कि उनकी बेटी को हत्या करने के लिए उकसाया गया था। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने शुक्रवार को एक्ट्रेस जिया खान सुसाइड केस में सूरज पंचोली को बरी कर दिया। फैसले के वक्त सूरज कोर्ट रूम में मौजूद थे। कोर्ट ने कहा, आपके खिलाफ सबूत काफी नहीं है, इसलिए बरी किया जाता है। फिलहाल फ्रेश न्यूज में इतना ही। कुछ और ताज़ा तरीन खबरों के लिए आपसे जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए सुनते रहिए पंजाब केसरी पॉडकास्ट। We'll be right back.